चुनाव के नाम पर क्या कुछ होता है, ये सरगर्मियां लेकर हम हाजिर होंगे हर रोज। आप देख रहे हैं चुनाव के नाम पर, मैं हूं राजेश बादल। चुनाव जब आता है तो सत्ता का नशा टूटने लगता है, लेकिन एक और तरह का नशा जोर पकड़ने लगता है। चुनाव के दौरान बांटी जाती है मुफ्त शराब। रविवार की शाम इंदौर के एसपी मधु कुमार की खबर पर पुलिस की गाड़ियों ने इस मकान को घेर लिया। सूने नजर आ रहे इस मकान में जब पुलिस अंदर पहुंची तो दंग रह गई। कुछ लोग बोतलों में शराब भरकर उन्हें सील कर रहे थे। खाली शीशियां, स्टिकर और शराब बनाने का सामान भी वहां था। पकड़े गए लोगों ने बताया कि वे पहले शराब की फैक्ट्रियों से फार्मूला सीख कर आए थे और चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को शराब की जरूरत के मद्देनजर चोरी से ये बना रहे थे। ये मकान मैंने पिछले 1.5 महीने से ले रखा था। मैं इस मकान में अवैध तरीके से धंधा कर रहा था, जिसका कि इस मकान मालिक को कोई नॉलेज नहीं था। मेरी ये सोचने की चाह थी कि अभी पास में चुनाव आ रहा है, धंधा थोड़ा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने इतना स्टॉक माल मंगाया और मैं इसको पिछले 20 दिन से संलग्न करते आ रही हूँ। मध्य प्रदेश में चुनावों के दौरान शराब बांटने की परंपरा सालों से चली आ रही है। बड़े शहरों की झुग्गी बस्तियों में रोज रात इस तरह की शराब बहती है तो गांवों में देसी दारू की महक मतदान से पहले छा जाती है। हालांकि इंदौर में शराब की फैक्ट्री पकड़े जाने से यह साफ है कि इस बार चुनाव आयोग का रवैया बेहद सख्त है। इलेक्शन में इसको हर तरीके से यूज करने का संभावना थी। किस तरह की संभावना? तो लोगों को मोटिवेट करेंगे तो वोटर्स को शराब दे के प्रलोभित करके गलत ढंग से उनको प्रभावित करने का संभावना है। इस प्रकार का जो संभावना है शराब के माध्यम से जनरली करते हैं, ऐसी संभावना को हमने छुड़वा दिया और इसके ऊपर कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इस बार पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के अलावा शहरों में शराब बांटने पर पूरी तरह काबू पाया जाए। पुष्पेंद्र वैद्य, इंदौर आज तक। तो ये थी इंदौर से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य की रिपोर्ट। और आइए अब चलते हैं राजस्थान।